नमस्कार किसान भाइयों, मैं एग्री एक्सपर्ट दुर्गा प्रसाद केवटे आज के नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज जानेंगे हम पपीते की संपूर्ण खेती के बारे में। पपीते की खेती कैसी करनी है, कौन सी किस्म लगाना है, कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, पानी की साधन क्या है, पानी की सुविधा क्या है, साथ में अपने को पौधे से पौधे की दूरी कितना रहा, कौन से रोग और कीट की समस्या अधिक मात्रा में आती है और खाद और उर्वरक प्रबंध कैसे करना है, आज ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो किसान भाइयों, 5 मिनट का वीडियो है, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा जिससे कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि किसान भाइयों, आप जानते हो कि पपीते की खेती सबसे एक उपयुक्त और फायदेमंद खेती है जो कि कम लागत में अधिक उत्पादन आपको निकाल के देती है। किसान भाइयों, इस खेती में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार अपने प्लांटेशन अगर कर दिए तो आपका 7 से लेकर 14 महीने या 15 महीने तक आपका उत्पादन आराम से निकाल के दे देती है। किसान भाइयों, एक बार आपने इस खेती में खर्चा किया तो प्रति एकड़ मिनिमम आपका 5 लाख तक का उत्पादन आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं किसान भाइयों कि आगे चल के अपने को क्या क्या चीज़ें अपने को इस खेती में करना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें अपने को इस खेती के लिए आवश्यक है। किसान भाइयों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पपीते की खेती के लिए जलवायु कैसी होनी। पपीते की जो फसल है उष्णकटिबंधीय फसल है जो कि ठंडे और गर्म दोनों क्षेत्र में आराम से उत्पादन लिया जाता है। और तापमान की अगर बात करते तो इसके उत्पादन के लिए मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और मैक्सिमम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर है तो आप पपीते की खेती आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। किसान भाइयों, अपन जानेंगे कि पपीते की फसल के लिए सबसे बेहतरीन और बेस्ट मृदा कौन सी होती है। अगर मृदा की अगर बात करते हैं, मिट्टी की अगर बात करते हैं तो भुरभुरी मिट्टी या हल्की रेतीली दोमट मिट्टी या तो फिर अच्छे जल निकास वाली मिट्टी आपके फसल के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। साथ में जानेंगे मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। एक उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान अगर देखा जाए पपीते की फसल के लिए, अगर पीएच मान अपने मिट्टी का 6.5 से अगर कम है तो हमें चूना डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पीएच मान 8 के ऊपर अगर ज़्यादा जाता है तो हमें जिप्सम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, किस्मों की अगर बात करते हैं, अगर अपने को अच्छी किस्मों का चयन करना है तो सबसे पहले किस्म की अगर बात करेंगे तो ताइवान 786 जो वेरायटी है सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है। साथ ही में अगर दूसरे नंबर की अगर बात करता हूँ मैं तो रेड लेडी जो 786 वेरायटी है उस वेरायटी का हम चयन कर सकते हो। अगर आपके एरिया में लिप कर्ल वायरस की शिकायत अगर अधिक मात्रा में देखने को मिलती है तो आइस बेरी नाम की वेरायटी जो होती है उसका आप चयन कर सकते हो। साथ ही में किसान भाइयों, मेक्सिको जो वेरायटी अभी नई लॉन्च हुई है, रिलीज हुई है, तो वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, किस्मों के साथ साथ पौधरोपण का अगर समय देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना आपके लिए बेस्ट होता है। साथ ही में कुछ किसान भाइयों गर्मी में अगर लगाना चाहते हैं तो आप मार्च और अप्रैल महीने में भी इसका पौधरोपण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानेंगे आज प्रति एकड़ पपीते की फसल अगर लेनी है प्रति एकड़ अपनों को बीज दर कितनी लगेगी। बीज दर की बात करते हैं किसान भाइयों तो एक एकड़ के लिए 100 से 120 ग्राम आपको आवश्यक रूप से बीज की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाइयों, इसके साथ अगर बात करते हैं तो एक एकड़ में पौधे कितने लगेंगे। अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट अगर रखते हो तो लगभग 1200 पौधे आपके एक एकड़ में लगेंगे। साथ में किसान भाइयों, अगर आप पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी अगर 9 फीट अगर रखते हो तो आपको एक एकड़ में 1000 पौधे आएंगे। अब ये दूरी इसलिए रखना जरूरी है कि जिसके वजह से क्या होगा किसान भाइयों, आप खाद आसानी से दे पाओगे, खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर पाओगे, रोग प्रतिरोध या फिर रोग और कीट की समस्या आपके फसल में अधिक मात्रा में नहीं आएगी, इसका नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हो। साथ में अगर आपको करना है तो आप बीच में जो फसलें अगर लेना चाहते हो आप बीच में फसलें भी ले सकते हो। जैसे आप धनिया की फसल ले सकते हो, पालक की फसल ले सकते हो, मेथी की फसल ले सकते हो, जिसकी जड़ें कम गहराई में जाती है, कम फैलाव अगर होता है उस फसल को आप आराम से इस दूरी में आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मार्केट से बीज अगर लेके आते हो तो आपको एक एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करने के लगभग आपको 30 से 40 दिन लगते हैं। साथ में अगर किसान भाइयों, अगर आप मार्केट से डायरेक्ट अगर प्लांट लेके आते हो, पौधा लेके आते हो तो आपको 30 से 35 दिन का पौधा लेके आना है, जिसकी जो कीमत होगी एक पौधे की 15 से 30 रुपये तक हो सकती है, आपके वेराइटी या किस्म के ऊपर निर्भर करता है। तो भूमि की तैयारी करने के लिए सबसे पहले अपने को गहरी जुताई करना जरूरी है। गहरी जुताई 1 से 2 बार करना जरूरी है। पहला मिट्टी पलटने वाले हल से, दूसरा आप रोटावेटर कर सकते हैं। किसान भाई, पौध रोपाई के लिए आपको 60 बाई 60 बाई 60 सेंटीमीटर के गड्ढे आपको तैयार करने रहेंगे। जो तैयार गड्ढे उसमें आप आसानी से पौधरोपण कर सकते हैं।
वो किसान भाई पौधरोपण करने से पहले आपको उस मिट्टी में जो पौध जो गड्ढे से जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी में आपको 1 किलो गोबर की खाद और 1 किलो नीम के मिलाना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा किसान भाइयों आपके जमीन में लगने वाले मृदा जनित रोग और कीट नीम के डलवाने की वजह से वो खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों साथ में देखते हैं कि सिंचाई कैसे करें। सिंचाई निर्भर करती है किसान भाइयों आप ट्रांसप्लांटिंग किस अवस्था में कर रहे हो या फिर किस मेथड से कर रहे हो। अगर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से अगर ट्रांसप्लांटिंग अगर किसान भाइयों करते हो पौधरोपण करते हो तो आपको हर एक या दूसरे दिन छोड़ के आपको इरिगेशन देना जरूरी, सिंचाई देना जरूरी है। अगर आप फ्लड इरिगेशन के माध्यम से आप खुला पानी अगर देना चाहते हो या फिर आप ड्रिप इरिगेशन अगर नहीं लगाते तो आपको 7 से 8 दिन में एक बार पानी देना जरूरी रहेगा। किसान भाइयों ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपको एक बात ध्यान रखना जरूरी है, जब भी आप ट्रांसप्लांटिंग करोगे ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 दिन बाद आपको ड्रेंचिंग करना आवश्यक है। ड्रेंचिंग अगर करना आवश्यक क्यों है, इसका कारण यह है कि अगर ड्रेंचिंग अगर आप करते हो तो आपको मृदा जनित रोग जैसे स्टेम रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा इंसेक्ट की समस्या नहीं आएगी। किसान भाइयों इसके साथ ही जानते हैं कि 1 एकड़ में पपीते की खेती अगर करते हैं तो कितना उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों अगर बताए अनुसार अगर आप प्रैक्टिस अगर अच्छे करते हो, खेती अच्छे करते हो, टाइम टाइम पे मैनेजमेंट अगर आप अच्छे करते हो, खरपतवार नियंत्रण अच्छा करते हो, कोई रोग और कीट नहीं आने देते तो आपको मिनिमम 500 क्विंटल और मैक्सिमम 700 क्विंटल तक उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हो। किसान भाइयों ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।